हेलो मैं अमजद हेलो उल्ला खान अस्सलाम बात वालेकुम। कर रहा हेलो हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? जी, क्या है, मैं सैयद आप कुछ वसीम कर रहा तबीयत हूँ खराब सर। हुई? हॉस्पिटल जी में जी एडमिट कराए बोल के अल्हम्दुलिल्लाह। सुना मैं, क्या हुआ एक्चुअली? जी मैं बॉर्डर के पास तो चला गया था, पर हाँ वहाँ पे क्यू बहुत ज्यादा था हाँ और रात का टाइम था, टेम्परेचर ज्यादा था, उसकी वजह से थोड़ी सर्दी हो गई थी मेरे को। तो उसके लिए मुझे नियर वे हॉस्पिटल में शिफ्ट करे थे, लुथरन तो अब आप पोलैंड बॉर्डर से कितनी दूर पे हैं आप? साइड। वहां पे पब्लिक बहुत है, आप पोलैंड बॉर्डर मैं से पोलैंड कितनी बॉर्डर दूर से पर है 12 हॉस्पिटल में किलोमीटर आप? के रेंज में हूँ। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ये पोलैंड बॉर्डर पोलैंड में बॉर्डर इंडियंस को तो किस लिए और नहीं आने आगे दे रहे हैं वो आएगा, लोग? जो यूक्रेनियन पता नहीं, कभी आने दे रहे हैं कभी नहीं आने दे रहे हैं, वो कंफर्म नहीं है। वो तो आप तो तकरीबन 2 दिन से बासको वहीं मौका पोलैंड मिल रहा, बॉर्डर पे थे बासको ना आप? नहीं मौका मिल रहा, जी वैसा चल रहा हूँ जी तो अब आप जी। फिलहाल मैं हॉस्पिटल में एडमिट है जी आप? परसों रात में वहां पे पहुंचा, पर मेरी रात में मेरी जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हूँ, ये रेस्टिंग सेंटर है उसमें अभी हूँ मैं। अच्छा, अब तबीयत कैसी है किसी को आपकी भी अब? अगर सर्दी वर्दी हुई तो यहाँ पे आके रेस्ट करने के लिए तके जाना है तो जा सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है जी अभी, पर यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम ये हो रही, यहाँ से वापस बॉर्डर पे जाना बोलते हो 12 किलोमीटर है, हाँ जी, वो यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, जी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है अभी, बड़े जी वक्त जाना पड़ता नहीं तो अब वो जी। अभी वही वहां पर प्रॉब्लम है, पोलैंड पे अपने इसीलिए आज नहीं गया, हैदराबादी आज थोड़ा तेलंगाना रेस्ट के लेने कितने मूड लोग से अटके नहीं हुए हैं गया। वहां पर? हैदराबादी तेलंगाना की मेरे जान पहचान के तो 2-3 ही है, पर वो बॉर्डर मतलब बॉर्डर का जो चेक पॉइंट है ना, यूक्रेनियन चेक पॉइंट, जी वो क्रॉस कर चुके हैं वो लोग। हाँ, तो बाकी यूक्रेनियन, अपने इंडियंस बहुत है, इंडियंस 50 से 100 होंगे, इंडियंस अच्छा अच्छा बहुत है, इंडियंस 50 से 100 होंगे। ठीक है। तो आपसे अभी जी तक भी कोई इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स या पोलैंड के इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स कोई कांटेक्ट नहीं किया आपसे? पोलैंड ऑफिशियल्स तो उन्होंने कांटेक्ट नहीं करे, मैंने किया था वो लोग को, जी क्या बोले वो लोग? यूक्रेनियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी यूक्रेनियन है ना, यूक्रेन की, हाँ उससे कांटेक्ट में हूँ, उनके जरिए हम लोग बॉर्डर क्रॉस करे थे, पर थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। तो अब आपकी तबीयत ठीक है, आपको जो है ट्रांसपोर्ट होना, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग अभी मिडिल में है जी, अब आपको जो है ट्रांसपोर्ट होना, ये मुझे जो आप ट्रांसपोर्ट होना, अभी ये ट्रांसपोर्ट की शेल्टर से आप जरूरत बॉर्डर है। तक जाना चाह रहे हैं आप? जी, बॉर्डर यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। जी ठीक है, मैं अभी जो है इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन और पोलैंड दोनों वालों को जी और मिनिस्ट्री को भी अलर्ट करता हूँ, आपको ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जजाकल्ला, वही जरूरी है अभी, ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मैं अभी आपके पूरे डिटेल्स फिर एक बार फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक जी, मैं पोलैंड एम्बेसी को कॉल किया था, वो लोग बोले ये यूक्रेन यूक्रेन का एरिया होता तो हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी, वो लोग बोल रहे हैं चेक पॉइंट पार करने के बाद उन लोग के बसेस से वो लोग बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, है, मैं अभी आपको फिर एक हाफ पर आवर जो में चेक कॉल बैक करता पॉइंट हूँ जो है आपको। ना, चेक पॉइंट और मेरे उसमें अभी समझ गया कोई मैं प्लेन आपके तो इशू था। को, मैं अभी आपको एक हाफ अच्छा एन आवर में फिर कॉल बैक करता हूँ। अभी जरा एम्बेसी जी, को अलर्ट करके, मिनिस्ट्री को अलर्ट करके मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके, ठीक है इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया। हेलो वसीम यार, मैं एक चीज पूछना भूल गया था आपसे, ये पोलैंड बॉर्डर पे जो है कुछ अपने इंडियन जी, स्टूडेंट्स पे, ये पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पे यूक्रेन की पुलिस या जो भी बॉर्डर पुलिस है वहां पर लाठीचार्ज कर रही, बच्चों को मार रहे हैं अपने बोल के कुछ खबर आई थी। कॉल बैक चेक करता हूँ जो है आपको, ना, समझ चेक पॉइंट और मेरे उसमें अभी गया कोई मैं प्लेन आपके तो इशू था। को, मैं अभी आपको एक हाफ अच्छा एन आवर में फिर कॉल बैक करता हूँ।
अभी जरा एम्बेसी को अलर्ट करके, मिनिस्ट्री को अलर्ट करके मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके ठीक है इंशाल्लाह। जी 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 शुक्रिया। हेलो वसीम मियां, मैं एक चीज पूछना भूल गया था आपसे, ये पोलैंड बॉर्डर पे जो है कुछ अपने इंडियन स्टूडेंट्स पे, ये पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पे यूक्रेन की पुलिस या जो भी बॉर्डर पुलिस है वहां पर लाठीचार्ज कर रही, बच्चों को मार रहे हैं अपने बोल के कुछ खबर आई थी ये सोशल मीडिया पे और कुछ न्यूज चैनलों पे बता रहा था, वो क्या हकीकत है, क्या हुआ वो एक्चुअल इश्यू जरा बोलिए। वो एक्चुअल इश्यू ये हुआ, वो इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग जी, इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, ऐसा सबके साथ नहीं हुआ, बस लोग के साथ हुआ। अच्छा, वो तो पर्टिकुलर इंडियन कम्युनिटी के लोगों के लिए साथ में हुआ या दूसरे कंट्री वालों के साथ भी हुआ? इंडियंस के साथ हुआ, नाइजेरियंस के साथ हुआ। हाँ हाँ, पर ज्यादा बल्क में अपने इंडियंस थे वहां पे। अच्छा ओके, जी, पर वो बास को छोड़ भी रहे थे, बास को नहीं छोड़ें थे वो, हम लोग को भी समझ में नहीं आया वो क्या हुआ। अब आप आपका पासपोर्ट आपके साथ है ना? सुनने में कि कुछ पॉलिटिकल इशू है। हम्म, जी जी, मेरे पासपोर्ट और यहाँ का वीजा मेरे साथ है। ठीक है, आपका लगेज ये जो कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे दोस्तों के साथ है, वो लोग बॉर्डर के बीच में है। अच्छा ठीक है, लगेज मेरे साथ है, पर मेरा जो मेन डॉक्यूमेंट्स जो है ना यहाँ के मेरे दोस्तों के साथ है, वो लोग बॉर्डर के बीच में मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, मैं भी आपका ट्रांसपोर्ट के लिए कोशिश करता हूँ। चेक पॉइंट पे इतनी भीड़ है इसमें। जी जी, अब मैं अभी अभी ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज कराता हूँ आपके।